So, hello everyone, welcome back to your YouTube channel. This is Fast Track Nisha. आज बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक पे. कौन सा? अगर आप अभी टीनेज में हो या फिर आपके 20s में हो तो आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए और तो आप वेल्थ एम्पायर क्रिएट करने के लिए एज वेल आपके विजन को ग्रोड करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, पूरे डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और उन बुक्स को पढ़ के आपके अंदर क्या चेंज आ सकता है. सो देखो, मैंने इस वीडियो में उन बुक्स को स्पेशली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया. फर्स्ट कैटेगरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ की. सेकंड कैटेगरी है फाइनेंस की, मतलब कि हमें वेल्थ का एम्पायर क्रिएट करना है उसके लिए हमें क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए. ओके, और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ बोनस बुक्स के ऊपर, मतलब कि आपने जब ये सारी बुक्स पढ़ ली तो उसके बाद आप किन बुक्स पे शिफ्ट हो सकते हैं और वो होंगे थोड़ी एडवांस टाइप की बुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. और जो भी बुक्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा उन सारी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर. देखो यार, जो बुक्स होती है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एज यू ऑल नो, जो भी बड़े बड़े लोग हो चुके वो सारे दिन में बुक्स पढ़ते थे. आप किसी भी इंसान की बात कर लिए, चाहे वो एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो या फिर हमारे इंडियन लीडर्स, हमेशा वो बुक्स पढ़ते थे. तो आपको इससे बुक्स की वैल्यू समझ में आ गई होगी. मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ऑल लीडर्स आर रीडर्स बट ऑल रीडर्स आर नॉट लीडर्स, मतलब कि जो लीडर्स होते वो हमेशा रीड करते पर जो रीड करते जरूरी नहीं कि वो लीडर बन जाए. सो अब आते हैं मेन टॉपिक पे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. और उसमें फर्स्ट बुक है द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो. This is one of the best book in the world. Okay, in the category of the personality development and self-growth. इस book में कोई scientific या technical definition नहीं है, बल्कि इस book में inspirational and motivational story बताई हुई है, जिससे आपको पता चलेगा हमें life कैसे जीनी चाहिए. जो alchemist है, ये एक शेपर्ड की कहानी है, जो निकलता है खजाने की खोज में. उसे दुनिया का खजाना हासिल करना होता है, और वो पूरा जो सफर है, वो तय करता है. उसकी होल जर्नी इस बुक में बताई हुई है, उसने कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे उन्हें सॉल्व किया, ये सारी तमाम बातें. इसे पढ़ के आपको समझ में आएगा कि हमें लाइफ को कैसे जीने चाहिए, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्हें कैसे फेस करना चाहिए. तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी तो इस बुक को जल्दी से पढ़े, यहाँ कई वो बुक आ रही होगी. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कैटेगरी में सेकंड बुक आती है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. कौन सी है ये बुक? This is that book, The Power of Subconscious Mind. इसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने. इस बुक में बात की गई है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में. Well, अगर आपने कभी आइसबर्ग देखा हो या फिर उसके बारे में सुना हो तो आपको पता होगा कि जो आइसबर्ग का ऊपर का पार्ट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बट उसके नीचे जो पार्ट होता है वो उसमें बहुत ही बड़ा होता है, उसकी साइज बहुत ही बड़ी होती है. सिमिलरली हम इसे रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन से. ह्यूमन में जो माइंड होता है, मतलब कि हमारे दो टाइप्स के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड. जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो इतना सा होता है, बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे ब्रेन का बहुत सारा पार्ट और हमारे बॉडी की बहुत सारी एक्शंस को कंट्रोल करता है. इस बुक में बात की कि हमें उस सबकॉन्शियस माइंड को पावर को कैसे पहचान सकते हैं, उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हम वर्किंग जान सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकता है. अगर आपने आपके एक्शंस को कंट्रोल में कर लिया तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप होने लग जाती. इसलिए मैं उसके बाद आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को पढ़े, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कैटेगरी में आती है थर्ड बुक, दैट इज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर. इस बुक में बताया हुआ हैबिट्स के बारे में. अब और ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट हैबिट, मतलब कि हमारा पूरा जीवन हमारे हैबिट के ऊपर डिपेंड होता है. मैंने एक बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा था कि मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग. मतलब अगर आप कोई वर्क करने को लेते हो तो उसे स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट पुश होता है वो देता है हमें मोटिवेशन, बट उस वर्क को कितनी देर कंटिन्यू रखना है और हमें उसे कंटिन्यू करना भी है या नहीं वो हमारे डिपेंड होता है हमारी हैबिट के ऊपर. आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको आपकी हैबिट्स के बारे में समझ में आएगा, आप कैसे अपने हैबिट्स को, माइंडसेट को और बिहेवियर को पॉजिटिव वे में लेके जा सकते और आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप कर सकते.
अब इस कैटेगरी में फोर्थ बुक आती है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेजी। ओके, ये बुक है वो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक में बताया हुआ है सीक्रेट्स के बारे में कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कैसे फोकस करना चाहिए, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते। इस बुक में हमें बताया है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हमें कैसे बात करनी चाहिए, लोगों से कैसे मिलना चाहिए और बहुत सारी चीजें। मैं स्पेशली जो स्कूल और कॉलेज के बंदे बंदे आए उनको ये बुक स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि वो जरूर पढ़े। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है। ओके, अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपने इस बुक से क्या सीखा और आपने पढ़ा है कि नहीं। मैंने आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ की बुक्स बता दी। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है फाइनेंस की, एम्पायर क्रिएट करने की। किसका एम्पायर? वेल्थ का, धन संपत्ति, पैसा पैसा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बुक से। फर्स्ट बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। देखो ये बुक है, दैट इज रिच डैड पुअर डैड, मस्ट 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 बुक है। किसी को भी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे चलना है तो उसे बुक पढ़नी ही चाहिए। इस बुक में बताया है व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। मतलब कि जो अमीर लोग होते वो उनके किड्स को क्या बताते जो कि गरीब और मिडिल क्लास नहीं बताते, और वो सीक्रेट होते अमीर बनने की। इस बुक में बहुत सारे सीक्रेट दिए। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने इस बुक में आपको अलग अलग थॉट से इफेक्ट किया है। मतलब कि आपकी जो थिंकिंग करने की एबिलिटी होती और आप जैसी चीजों को एक्सप्लेन करते हो या फिर उसको एनालाइज करते हो, उसे अलग तरीके में कैसे करते इसके ऊपर बताया है। वो सारी चीजें रिलेटेड होती है फाइनेंशियल नॉलेज से। ये बुक टोटल 9 सेशंस में डिवाइडेड है। जैसे कि आपका अगर एसेट होता है या लायबिलिटी होती है, इसके ऊपर उन्होंने बात की है, ESBI मॉडल, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल। ओके, और बहुत सारी चीजें। आपको बता दूं कि मैंने इस बुक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, मतलब कि समरी टाइप, 350 पेज की बुक है। इस बुक को मैंने 10 मिनट्स में समराइज किया है। इस वीडियो की लिंक आई बटन पे किधर इधर आ रही होगी, आप उसे जाके देख सकते हो। फाइनेंस की कैटेगरी में सेकंड नंबर की बुक आती है द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय MJ डिमार्गो। यहाँ पे बुक आ रही होगी। आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे अपनी यंग एज में अमीर बन सकते हैं और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे कैसे चलना होता है। और अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया उसके बाद अपने लाइफ को आप जिस चाहे वैसे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सो मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूंगा, पहले रिच डैड पुअर डैड पढ़े, उसके बाद इस बुक के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। सो फाइनेंस की कैटेगरी में थर्ड नंबर की बुक आती है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। वो बुक ये थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। क्या बताऊं इस बुक के बारे में, जो नेपोलियन हिल इस बुक के ऑथर है इन्होंने बहुत ही खतरनाक काम किया है। इस बुक में उन्होंने कोई ख्याली पुलाव या फिर स्टोरी नहीं बताई, इस बुक में उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है। उन्होंने क्या किया था, उस वक्त के जो अमीर लोग थे जैसे कि हेनरी फोर्ड, थॉमस अल्वा एडिसन और बहुत सारे लोग, नेपोलियन हिल ने इनका इंटरव्यू लिया था और उनसे जाना था कि आप कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने, और वो सारी इंटरव्यूज इस बुक में दी हुई है। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी कैसी चीजें होती है, हम जैसे सोचते वैसे हम बन जाते। इस बुक का जो नेम है थिंक एंड ग्रो रिच, एक्चुअली वो होता है। सो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को भी आप पढ़े, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नाउ फाइनेंस की कैटेगरी में फोर्थ नंबर की बुक आती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान। मतलब कि पैसा कैसे सोचता है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। जब इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही एडवांस तरीके से चीजें पता चलेगी कि पैसा काम कैसे करता है, आता कहाँ से जाता कहाँ से, पैसा ही पैसे को खींचता है और ऐसी बहुत सारी चीजें। ये बुक थोड़ी एडवांस है, मतलब कि आपको एडवांस पॉइंट मिलने को जानेंगे, जैसे कि सम बिजनेस के बारे में पता चलेगा और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलेगा और ऐसी बहुत सारी चीजें इस बुक में एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद आप इस बुक को पढ़ सकते हो, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो नाउ फाइनेंस की कैटेगरी में फिफ्थ नंबर की बुक आती है द रिचेस्ट मैन इन द बेबिलोन सिटी बाय जॉर्ज क्लांसर। कौन सी है बुक? दिस इज दैट बुक। ओके, इस बुक में बताई हुई एक स्टोरी। कौन सी स्टोरी? ये जो बेबिलोन सिटी थी वो उस टाइम की सबसे अमीर सिटियों में से एक सिटी थी। इस बेबिलोन शहर का जो सबसे अमीर आदमी थे उसके बारे में बुक में बताया हुआ है कि वो अमीर कैसे बना, उसने कौन कौन से सिगरेट्स फॉलो किए, बहुत सारे, जैसे कि अपने खाली पर्स के 7 इलाज और बहुत सारे टॉपिक्स इस बुक में बताए हुए। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं व्हाट आर द फॉर्मूलास टू बिकम रिच। मैं आपको इस बुक को भी स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा। ओके,
What is that book? The Richest Man in the Babylon City. अब फाइनेंस की कैटेगरी होती है समा. मैं आपको अब बताता हूँ कुछ बोनस बुक्स. जब आपने ये सारी बुक्स पढ़ ली उसके बाद आप इन बुक्स के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं और अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं. उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, नेक्स्ट बुक है इलॉन मस्क, हाउ द बिलियनेयर सीईओ ऑफ स्पेसएक्स एंड टेस्ला इज शेपिंग अवर फ्यूचर. इस बुक में बताया हुआ है इलॉन मस्क के बारे में. वेल, आप सब लोग तो इलॉन मस्क को जानते होंगे. इलॉन मस्क इस सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी और सबसे क्रिएटिव आदमियों में से एक है. इस बुक में उनकी पूरी जर्नी बताई हुई है कि वो कैसे सोचते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी और वो ऐसे क्रेजी और क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से लाते. इस बुक के बारे में वो सारी नॉलेज दी गई है. आप इस बुक पर बाद में शिफ्ट हो सकते हैं. ओके, व्हाट इज दैट बुक? इलॉन मस्क, हाउ द बिलियनेयर सीईओ ऑफ स्पेसएक्स एंड टेस्ला इज शेपिंग आवर फ्यूचर. बोनस बुक्स में सेकंड नंबर की बुक है द वॉरेन बफेट बुक. वेल, आप सब लोग तो वॉरेन बफेट को जानते होंगे, इनके थियरीज को, इनके थॉट्स को मानते होंगे. इस बुक में उनकी भी जर्नी दी गई है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उन्होंने कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट की, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं और कोई कंपनी और कोई स्टार्टअप कैसे ग्रो करता है और बहुत सारी तमाम चीजें आप इस बुक में पढ़ सकते हैं. व्हाट इज दैट बुक? द वॉरेन बफेट वे. अब आपने इस बोनस बुक के कैटेगरी में अब तक दो बुक देखी, मैं आपको कुछ बुक्स और सजेस्ट करता हूँ. थर्ड नंबर के 0 to 1 बाय पीटर थिल्स एंड ब्लैक मार्की. इस बुक में क्रेजी आइडियाज बताए हुए कि हम कैसे अपने बिजनेस को और अपने जो स्टार्टअप होते हैं और हमारे जो वेल्थ क्रिएशन की जो टेक्निक्स होती है उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. आप इस बुक को भी जरूर पढ़िए. उसके बाद है हाउ टू विन एट द स्पोर्ट्स ऑफ बिजनेस. ये बुक भी सिमिलरली वैसी है. इस बुक के बारे में आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी. लास्ट बुक है 4-Hour Work Week बाय टिम फेरिस. इस बुक में भी वैसे ही अलग अलग आइडियाज दिए गए जिससे आपका विजन ब्रॉड होगा. आपको अपनी पर्सनैलिटी एज वेल एज अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बदलने में आपको हेल्प होगी. विच इज दैट बुक? द 4-Hour Week बाय टिम फेरिस. अब तक आपने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें देखी कि आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए जिससे कि आने वाली एक से एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. सी यू नेक्स्ट टाइम.